तेरी खामोशी में झांका जो मैंने तो डूबा डूबा डूबा। शुरू करो, आ जाएगा वो। दो मिनट आपसे सब्र नहीं होता उसके आने तक। रामेश, अरे कहाँ रह गए यार? ये लो आ गया। आओ। किसका सामान है? अब कहाँ ले जा रही है? मेरा सामान। उसामा के घर जा रहा हूँ। क्यों? सब खैरियत तो है ना? या कुछ दिन वहीं रहूंगा। क्यों, क्या हुआ? इनसे पूछ। क्या हुआ है राहिला, क्यों जा रही है? तुम उसे 10 साल से जानते हो ना, और मैं तुम्हें उस वक्त से जानती हूं जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। ऐसे सिर्फ एक मां ही जान सकती है, और तुम उसके लिए मुझे छोड़कर जा रहे हो। शाबाश बेटा, शाबाश। You think this is fair, अम्मी? बच्चों को पालना और फिर एज अ प्राइस उनसे उनकी मर्जी छीन लेना? क्या हो गया तुम दोनों को? आपके बेटे ने अपना इंतखाब कर लिया है, हमारे बजाय अनीसा को चुना है इसने। ये है आपके बेटे की मोहब्बत। You're still doing it. ये जो आप कर रही हैं ये भी मोहब्बत नहीं है, ब्लैकमेल कहते हैं इसको, जो कि आप सब माँ बाप को करना बंद कर देनी चाहिए। बहुत नहीं हो गया? बच्चे बड़े भी हो जाते हैं और फिर वो इंडिविजुअल्स बनते हैं जिनकी अपनी मर्जी, अपनी सोच होती है। मैं भी अब बच्चा नहीं हूं। मैं यहां रहूंगा तब तक आपको ये बात समझ नहीं आएगी। तो रामेश, रामेश, बिल्कुल ठीक कह रहा है वो। ये तुम्हारी मंगेतर है ना? लेकिन तुम दोनों की मंगनी तो टूट गई थी। टूट गई थी? इट्स कॉम्प्लिकेटेड। ठीक ही हुआ, वैसे भी तुम्हें इससे बेहतर कोई भी मिल सकता था। टूट तो मेरा कजन है। तो क्या हुआ? सच तो ये है कि ये तुम्हारी लीग से बहुत बाहर है। तुम्हें तो अपने लेवल की कोई लड़की देखनी चाहिए। हम दोबारा से साथ हैं। क्यों? आप फिजिकली तो बिल्कुल ठीक लगते हैं, क्या कोई साइकोलॉजिकल इशू है? हम बिल्कुल ठीक है, बहुत खुश है हम एक दूसरे के साथ। हम एक काम से आए हैं तो वो बात कर ले। मेरा ख्याल, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। क्यों? तुम्हें पता भी नहीं हमें क्या हेल्प चाहिए। सॉरी, मुझे लगता है मैं कुछ गलत बोल गया। मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता। Your family, bro. मुझे इस बात पे शक है। मेरे जीन्स तुम्हारे जीन्स से बहुत बेहतर है, और मैं तुमसे कहीं ज्यादा आला इंसानी नमूना हूँ। He's absolutely right. एक नंबर के नमूने, और तुम बताओ। एक सेकेंड, आप मेरी बात सुने, इसे छोड़े, इसका आपके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। आप एक जहीन और सुपीरियर इंसान है, इसको तो कभी समझ नहीं आएगी कि आप क्या कह रहे हैं। I like you. बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? ये देखें,
ये दो नंबर्स हैं। पहला वाला जो नंबर है ये मीर जलाल का है, वो जिनके फ़ोन रिकॉर्ड्स चाहिए इन दो डेट्स के, ठीक है। और जो दूसरा नंबर है ये है जवाद हसन का। अब पता ये करना है कि इन डेट्स पे इन दो नंबर्स की आपस में फ़ोन कॉल्स हुई हैं या नहीं। ये मैं नहीं कर सकता, प्रोटोकॉल है ना, अलाउड नहीं है। शर्जील, ये प्रोटोकॉल्स और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस तो आप लोगों के लिए होते हैं, ये आप जैसे जीनियस और आला इंसान उन पे तो अप्लाई नहीं होते हैं। ये स्टूपिड किस्म के लोग आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, really? ठीक है, तुम मुझे 2 घंटे बाद पार्किंग में मिलो। वैसे एक दफा फिर सोच लो, अभी भी वक्त है, अपने बराबर का कोई साथी चूज कर लो। I will keep that in mind. चले? See you. क्या कर रहे हो? आगे देखो। थैंक यू। दोनों नंबर्स के आपस में कोई कॉल्स नहीं है इन डेट पर। मैंने दोनों नंबर्स के कॉल रिकॉर्ड निकलवाए हैं सिर्फ तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरा मोबाइल नंबर भी है, अगर तुम दोनों का दोबारा ब्रेकअप हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं इससे कहीं बेहतर ऑप्शन हूँ एंड आई माइट कंसीडर यू। थैंक यू। ओके बाय। बाय। पागल है, मैं इसको जान से मार चुका हूँ। पागल उल्लू, अरे बेटर ऑप्शन काट दो। नहीं, यू माइट जस्ट कंसीडर मी। बेटर ऑप्शन का बच्चा। जवाब के कॉल रिकॉर्ड्स। क्या हुआ? लेकिन क्या हुआ? उसने किसी और को भी कॉल की थी। दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? जरूरी बात करनी है तुमसे जलाल। क्या हुआ? खैरियत? मेरे पास जवाद के फोन रिकॉर्ड्स हैं। जिस दिन मारिया पर अटैक हुआ उस दिन के। क्या है इसमें? मारिया पर अटैक करने से 2 घंटे पहले जवाद ने माँ को क्यों कॉल किया होगा जलाल? इत्तेफाक होगा, कुछ भी हो सकता है। दादी इन्वॉल्वड मारिया खाला के अटैक में?
और इसका यह भी मतलब है कि जिस बंदे ने मारिया को हॉस्पिटल में मारने की कोशिश की वो भी उन्हीं के लिए काम कर रहा है। और अगर ये सच है तो जवाद पे भी अटेम्प्ट दादी ने करवाया, क्योंकि जवाद उस बंदे को पहचान गया था जिसने रामेश पे गोली चलाई थी। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग यार, माँ है वो मेरी, दादी है तुम्हारी, उनकी उम्र देखी, तुम इस तरह की बात सोच भी कैसे सकती हो, कैसे कह सकती हो ये बात, कत्ल कराएंगी वो। तो फिर वो जवाद के साथ कांटेक्ट में क्यों थी? और अगर ऐसा है तो वो जवाद को भी इस्तेमाल करी थी मारिया खाला को खामोश करवाने के लिए। मारिया खाला को तो पक्का शक है कि दादी मामा की डेथ में इन्वॉल्व नहीं, वो खुद को बचा रही थी। You see, Jalal, it was never you. You didn't create this mess. It was her all along. अब्बा सारी जिंदगी आपने गिल्ट में गुजार दी है। It wasn't you, Jalal. It was me. It was me. It was me. माँ खुद को नहीं, मुझे बचा रही है। किस चीज से? क्यों? क्योंकि तानिया को मैंने मारा है। कहाँ जा रहे हो? तानिया से बात करने, बहुत हो गया झगड़ा, हमारी एक बेटी भी है और हमें इस सबको सॉर्ट आउट करना होगा। अच्छा, तो जाने से पहले ये देख ले। यह आदमी तुम्हारी बीवी का पुराना आशिक, लेकिन जब उसने तुम्हारे जैसी मोटी आसामी नजर आई ना, तो उसे छोड़कर तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार हो, आजकल फिर मिल रही है उसे। ऐसी औरतों के हमेशा बैकअप प्लान होते हैं, लेकिन मैं ठहरी एक तकियानुसी गांव की औरत, मुझे अच्छे बुरे की भला पहचान कहां से होगी? आपको ये सब कैसे पता? खत है, तस्वीरों के साथ एक खत है, पढ़ लो। उसने एक अपने जैसा घटिया आदमी ढूंढा था मुंह काला करने के लिए, जो कि अब हमें ये लिफाफे भेजकर ब्लैकमेल कर, अगर हमने मुंह मांगी रकम ना दी तो हमारी बहू के कच्चे चट्टे खोल देगा सबके साथ। और बहुत सारे ऐसे अखबारात हैं जो मुअज्जज़ीन की इस तरह की चटपटी खबरें छापने को तैयार हैं। अल्लाह बेहतर जानते हैं और कैसी तस्वीरें होंगी उनके पास। और कौन कह सकता है कि ये दोनों ये पैसे ऐंठने के प्लान में इकट्ठे मिले हुए ना हो? अब घी सीधी उंगलियों से तली जाए तो यही रहेगी। ऐसे ही होते हैं ये बदजात लोग। बकवास है ये सब। तानिया मेरी बीवी है और एक बच्ची है हमारी। तो और क्या तरीके होते हैं अमीरजादों को फंसाने के?
गाड़ी रोको तानिया। तानिया तुम ये कैसे कर सकती हो? स्टॉप द कार प्लीज। नहीं तुम जाओ यहां से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। गाड़ी रोको तानिया। तानिया मेरी बात तो सुनो। तानिया गाड़ी रोको। तानिया प्लीज, तानिया गाड़ी रोको। तानिया गाड़ी रोको, स्टॉप द कार। तानिया तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तानिया गाड़ी रोको। जस्ट गो अवे। मेरी बात सुनो, गाड़ी रोको तानिया। मेरी बात सुनो तानिया, गाड़ी रोको। तानिया गाड़ी रोको। तानिया गाड़ी लगने के बाद मुझे कुछ याद नहीं है। जब होश आया तो मैं सड़क के किनारे बैठा हुआ था। सामने एक पुलिस मोबाइल खड़ी थी। पुलिस वाला मुझसे सवाल पे सवाल पूछे जा रहा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या हुआ है कुछ बता सकते हैं आप? शहजादे आपसे पूछ रहा हूं, यहां क्या हुआ है कुछ बता सकते हैं आप? वो गाड़ी, गाड़ी, गाड़ी में कोई नहीं बचा। नाम क्या है आपका? मेरा नाम कांस्टेबल जवाद है। नाम पूछ रहा हूं आपका, नाम क्या है? मीर जलाल। मीर जलाल। उसका एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ था ना, मैं उसका पीछा करता ना तानिया मरती। मेरी जेलसी ने उसकी जान ले ली। आई कॉज्ड हर एक्सीडेंट। मैंने उसको मारा। उस दिन के बाद से जवाद इस बात पर पर्दा डालता रहा और उसके उसको पैसे मिलते रहे। मां खुद को नहीं, मुझे बचा रही है।
कहाँ है वो? चला गया सुबह सुबह। तुम कैसी हो? एग्जॉस्टेड। अगर ये सच नहीं है और सच कुछ और है, तो जिनको सच पता है वो तो मर चुके हैं। अगर अब्बा इतना कुछ एडमिट कर सकते हैं तो वो अफेयर वाली बात के बारे में झूठ क्यों बोलेंगे? उसने कुछ भी इंटेंशनली तो नहीं किया। अम्मा, अगर अब्बा उनकी गाड़ी का पीछा ना करते तो वो एक्सीडेंट ना होता, मामा आज जिंदा होती। ये बात भी तो छुपाई ना उन्होंने हमसे। अगर वो नहीं छुपाता तुमसे अनीसा, तो हो सकता है कि तुम्हारे दोनों इससे तो अच्छा था मैं एक ऑर्फन की जिंदगी गुजार देती। क्या करें अनीसा, पुलिस के हवाले कर दे उसे या फांसी पे लटका दे? अम्मा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आई वुड नेवर वॉन्ट टू हर्ट यू और अब्बा, लेकिन मेरे दिल में अब्बा के लिए माफी मिल ही नहीं रही है मुझे। He's your father. तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जिस हद तक चला गया वो, तुम्हें अपने दिल में उसके लिए माफी ढूंढनी पड़ेगी। अगर मैं कोशिश कर सकती हूं अनीसा, सो कैन यू। मैम, ये देख लें, रिजवान ने भिजवाया है। अगर आप इसे अप्रूव करती हैं तो मैं इसका स्टॉक मंगवा लेती हूँ। मैम, इज एवरीथिंग ऑल राइट मैम? डनारा, तुम फ्रेडी से कल फ्रेडो पास्ता जलाल के ऑफिस डिलीवर करवा दो। यस मैम। उसे क्या ना सॉल्ट में डाले। ओके मैम। कहाँ से आ रही हो? दफ्तर से। जाती हो अभी भी? लगता तो नहीं। लगता तो बहुत कुछ वैसा नहीं है दादी जैसा होता है। और ये कंस्पिरेसी थियोरीज,
कभी कभार इंसान को पागलखाने भी पहुंचा देती हैं। दादी आप अपनी खानदान की इज्जत और वो क्या लफ्ज इस्तेमाल करती हैं आप, वकार, वकार के लिए कुछ भी कर सकती हैं ना। बिल्कुल। और ये इज्जत और वकार आपके लिए जिंदगी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अपनी इज्जत के लिए कुर्बान हो जाना खानदानी लोगों के लिए बहुत एहसास की बात होती है। आपको ये बात अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन मैं जिसकी भी बेटी हूँ पोती तो आप ही की हूँ। मेरी माँ की इज्जत पे जो इल्जाम लगा है वो मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। इट हॉन्ट्स मी बिकॉज आई नो कि ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये प्रूव करने के लिए मुझे पागलखाने तो क्या कब्रिस्तान पहुंचने से भी डर नहीं लगता। मुझे बहुत भूख लग रही है, आपके लिए कुछ मंगवाऊं? ये जिम्मेदारी क्या होती है? इज्जत। इज्जत होती है सबसे बड़ी जिम्मेदारी, समझी? I was waiting for you. I'll just take you to your room. Chale, aajay, chale. Tum police ke paas chale jao. Main kuch deny nahi karunga. Hum baad mein ye baatein kar lenge. Abhi chale, I'll take you to your room. Chale. तुम मुझसे नफरत करती हो ना? Of course, I could see it in your eyes. मैं तुम्हारी माँ का कातिल हूँ. I deserve it. I deserve it. तुम्हारी नफरत से बेहतर है मैं मर जाऊँ. I can deal with everything but this, Anisa. Tum khud hi mujhe maar do. Kill me. I cannot live like this. Sab kharab ho gaya mujhse. Kuch bhi theek nahi kar saka. I am a criminal. I am the culprit.
मैं मजरूम हूं, राइट? ये लो, हॉस्पिटल रिपोर्ट्स, पुलिस रिपोर्ट्स, ये खत, ये तस्वीरें, देखें, सब ले लो, डू व्हाट यू वांट टू डू विद इट, इसमें सब कुछ है। कसम खा के कहता हूं कि मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। आई रियली लव्ड हर, आई रियली डिड। आई स्टिल डू। उसे सब पता था, फिर भी क्यों उसने, क्यों? सही कर देता, उसने क्यों इंतजार नहीं किया? क्यों? मैं मां से बात कर रहा था, मैं सब कुछ छोड़ सकता था, मैं उसको नहीं छोड़ता। वेट, वेट, देख रही हूँ। नहीं, नहीं, यू डोंट हैव टू गेट इन दिस, दिस इज माय बर्ड। वो वापस नहीं आएगी। You don't need to get involved in this. Please go now. Abba. I want to be left alone, Nadisa, please. Please. यार ये तस्वीर और वो लेटर, इसके पीछे कोई कहानी तो है। यार यू जस्ट टोल्ड मी कि ब्लैकमेल कर रहा था दादी को। Apparently, मामा और अब्बा की शादी एक्सपोज करने की धमकी दे रहा था और अपना और मामा का। तो तुम ये बात कभी नहीं मानोगे कि ये सच है? यार अगर सोर्स कोई और होती ना तो शायद मैं मान भी लेती, लेकिन दादी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, स्पेशली आफ्टर एवरीथिंग शी इज बीन अप टू लेटली, एंड स्पेशली आफ्टर जवाद ने उनको कॉल। यस, ओके, सो व्हाट्स द प्लान? देखो मेरे पास इसकी तस्वीर आ गई, सो आई नो वेयर टू स्टार्ट। ओके, यहाँ क्यों रोक रहे हो?
पिज्जा ऑर्डर किया था। इतनी भारी और इम्पोर्टेंट डिस्कशन में खाली पेट नहीं कर सकता, बस पिक करना है। आ रहा मोटा। क्या आदमी? तेरी खामोशी में झांका जो मैंने तो डूबा डूबा डूबा। तेरी खामोशी में झांका जो मैंने तो डूबा डूबा डूबा। कुछ कह न पाया तेरे मन में झांका, तो खुद को ही पाया मैं टूटा फूटा तेरा दिल जोड़ न पाया। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।